अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं बबलू राकेट से, जो कि बाबू क्लब मंद्रा के मजे हुए खिलाड़ी थे, जो आज आपको एक नए बैट का रिव्यू देंगे। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमने बैट इंपोर्ट करवाया है श्रीलंका से। प्राइसेस की मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन जो इसके डायमेंशन में इसकी आपको बता देता हूँ, जो इसकी टोटल हाइट है वो है 35 इंच। उसके बाद आप ये इसकी विड्थ दे सकते हैं, ये है 2.5 इंचेस। और जो इससे इसकी चौड़ाई है वो है 3.5 इंचेस। ठीक हो गया। ये प्रॉपर कोकोनट वुड का बना हुआ है, ठीक है, ये ब्रेक नहीं होता, इसकी रिटर्न वारंटी भी है। तो ये इंपोर्ट मिला के ये हमें पड़ा है 3500 पाकिस्तानी रुपीज़, इंक्लूडिंग एवरीथिंग चार्जेस डिलीवरी मिला के, ठीक है। अब इसकी आती है कैन की तरफ, कैन आप किसके दे सकते हैं, ये फुल कैन है, ठीक है। इस बार इस बैट को हम कंपेयर करेंगे एक लोकल बैट से जो कि क्लब लेवल पे चलते थे, चल रहे हैं। ओके, ये है हमारा बैट जो कि हमने यहाँ से परचेज किया 2K। ओके, इसकी प्राइस के बारे में पहले बता दें। इसकी प्राइस है 2200 का, ये हमें यहाँ से मिला। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट आपको पता है सेम ही है, लाइक 35 इंचेस, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो है 1 इंच, इसकी ये साइड से इसकी चौड़ाई है, ठीक। और जो इससे से इसकी साइज है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, 3.5 इंचेस में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें जो बुट का जो मेन डिफरेंस है, बुट का डिफरेंस है जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और बीच में से आपको बताया कि इस पर काफ़ी यूज हुआ है, इसकी वजह से नशा पड़ी है। जो मेन डिफरेंस है इसके जो श्रीलंकन बैट है और जो लोकल मेड है, वो इसके आप हैंडल में देख सकते हैं, ये फुल कैन है, ठीक है। इसके अंदर कोई लाइन्स वगैरह नहीं है। लाइन्स का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि बैट में कितनी स्ट्रेच हो, जैसे कि आप देख सकते हैं। दूसरा बैट मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये 5 पट्टी इसको कहते हैं, जुबान 5 पट्टी वाला है ना। तो ये तो जब भी आप बैट लें, ठीक है,